मैं दोस्त के साथ अंदर जाऊंगा। दोस्त सर, हाँ चलो यू। एक सेकंड दोस्त, यूवी ना चुड़ैल आंटी की सबसे कंप्लेंट करेगा, सबसे सबको बताएगा कि ट्विंकी और दोस्त को डेंजर में डाले इन्होंने, डेंजर में पुश करा, वेरी बैड किया, और यूवी को भी रूम में लॉक कर दिया था इन्होंने, बैड आंटी ने। आप देखना, सबसे मैं बताऊंगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी, बड़ा मजा आएगा मुझे। हाँ देखना, यूवी तुम्हारी मॉम है, उनसे ऐसे बात नहीं करते, इसलिए सॉरी बोल। नहीं, ये चुड़ैल आंटी, ये मेरी मॉम नहीं हो सकती, नहीं है, नहीं बोलूंगा सॉरी। ठीक ही तो कह रहा है यूवी, अब जो है सो है। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की है तो की है, हम सच क्यों घर वालों से छुपाए, और सारे परिवार वालों को भी तो पता चले कि हमारी ताई सास के कितने नेक इरादे। चलो यू, चलो। मुझे बचा लो रघु, मुझे बचा लो। रघु, रघु, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ? मैंने वहां सेठ को देखा था। क्या? उधर। दोस्त आजा, फटाफट आजा, जल्दी आजा। अरे उषा, ये लोग आ गए। अरे पुत्र, कैसा रहा सफर? ठीक बेबी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अनीता, बात क्या है, बता तो सही। बात बहुत सीधी सी है बेबी, इस घर में जो कुछ भी बुरा होता है सबका इल्जाम सीधा मुझ पर आता है। मेरी तो इमेज ही खराब हो गई है इस घर में। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं शादी करके इस घर में आऊंगी, इस परिवार के साथ खुशी खुशी एक नई जिंदगी बसाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे लाख चाहने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाई। हर बुरी बात का इल्जाम मेरे ऊपर ही आता है, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मैं भुगत नहीं। यार अनीता, क्या हुआ इन्हें? अनीता, मैंने रूम में लेके जाता हूँ, इन्हें शायद अस्थमा का अटैक है। हाँ ले जा पेपर। और अब तुम्हारा खेल खत्म। कहाँ चला गया ये? रघु, इस वक्त प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दें आपको? अभी तो पकड़ा है आपको हमने, अभी नहीं छोड़ेंगे। हमें साफ साफ बताइए, आप इस तरीके से भाग करके अंदर कहाँ आए? क्या इसलिए कि आप धनवान हैं और हम निर्धन हैं? क्या इसलिए कि हम गरीब हैं? क्या इसलिए कि आप हमको अपने काबिल नहीं समझी? या फिर आपने कुछ देख लिया था? क्या देख लिया था सपनम जी, हमें बताइए तो सही। क्या हुआ, वॉशरूम तो नहीं जाना है? भाई शबनम, पहाड़ के नीचे हवा टाइट कर दूंगा तुम्हारे। जी ट्विंकल और चेरी, अब आया कहानी में एक नया मोड़, अब तो मुझे कुछ ना कुछ नया हंगामा करना ही पड़ेगा।